हाय फ्रेंड्स, आई विकास प्रजापति और आप लोग सुन रहे हैं कहानियां जो आपकी जिंदगी बदल दे। एंड मोस्ट वेलकम टू स्टोरी नंबर 16। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्टेड। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो ग्रेट आर्टिस्ट पिकासो की कहानी है। पिकासो स्पेन के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनकी पेंटिंग आज भी करोड़ों अरबों डॉलर में बिका करती हैं। तो होता क्या है दोस्तों, एक दिन पिकासो कहीं घूमने जा रहे थे तो उनको एक लेडी ने देखा और उनको पहचान लिया। और वो लेडी दौड़ते दौड़ते उनके पास आई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग अभी बना देंगे। तो पिकासो हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अभी तो मैं खाली हाथ हूँ, अभी कैसे पेंटिंग बना सकता हूँ। बट वो लेडी जिद करने लगती है, सर प्लीज अभी बना दीजिए, बाद में आप कभी मिलेंगे कि नहीं। उसके बहुत जिद करने के बाद पिकासो अपने जेब से एक कागज निकालते हैं और अपनी पेन से 10 सेकंड में एक स्केच बना के दे देते हैं और उस लेडी से बोलते हैं, लो यह 1 करोड़ की पेंटिंग। तो उस लेडी को यह बात बहुत अजीब लगती है, 10 सेकंड की एक पेंटिंग को 1 करोड़ पिकासो बोल रहे हैं। तो उसको लगता है पिकासो उसको पागल बना रहे हैं। और वह लेडी भागते भागते मार्केट जाती है और उस पेंटिंग को एक पेंटर को दिखाकर पूछती है, भैया ये पेंटिंग कितने की है। तो पेंटर पेंटिंग को देखकर तुरंत पहचान जाता है और लेडी से बोलता है, अरे ये तो पिकासो की पेंटिंग है, ये आपको कहाँ मिली, ये तो करोड़ों रुपए की है। और वह लेडी फिर से भागते भागते पिकासो के पास गई और पिकासो से बोलती है, सर आपने बिल्कुल सही कहा था, यह पेंटिंग तो वाकई में करोड़ों की है। और पिकासो हंसते हुए बोलते हैं, अरे ये तो मैंने पहले ही कहा था। और फिर वह लेडी पिकासो से बोलने लगी, सर प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए, जैसे आप 10 सेकंड में करोड़ों की पेंटिंग बना दिए, मुझे 10 सेकंड में ना सही 10 मिनट में ही ऐसी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए जवाब दिया, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इसी लाइन में पूरी स्टोरी की समरी छुपी हुई है। यह पेंटिंग जो मैंने 10 सेकंड में बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल लगा है, मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिया है, तुम भी अगर 30 साल देने के लिए तैयार हो तो सीख जाओगी। और फिर वह लेडी अवाक हो गई और निशब्द होकर पिकासो को देखते रह गई। Then what is moral of the story, my dear friend? दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमें यह सब बड़ा आसान लगता है। हम कहते हैं, यार यह इंसान बड़ा जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, उस एक सफलता के पीछे कितने वर्षों की मेहनत छुपी हुई है यह कोई नहीं देख पाता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, शर्त यह है सफलता की तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है। जो खुद को तपाकर संघर्ष का अनुभव हासिल करता है वह कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरों को लगता है वह कितना आसानी से सफल हो गया। मेरे दोस्त, परीक्षा तो केवल 3 घंटे की होती है, लेकिन उन 3 घंटों के लिए पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हैं? सफलता अनुभव और संघर्ष मांगती है, और अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं लास्ट में आपसे इतना कहना चाहूंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। That's all for today, मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बार फिर से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।